शुरू किया जाए? ऐसे करना समझ में आता है, ऐसे का मतलब कल तो फ्राइडे है, कल फ्राइडे है ना, तो कल तक उतना करना है कि आप दो दिन में आर पार करिए, ठीक है, हो जाएगा आराम से, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी आप हमसे बनवाइबे करिएगा, ये भी हमको पता है। तो क्या बनाने कोशिश किए थे? लेकिन हम मना किए थे ना, यहां तो नो रिलेशन लिखा हुआ है, तो भाई गलत तो होवे करेगा। ऐसे कोई जो कल और परसों नहीं आए थे, मतलब इनइक्विटी का स्टार्टिंग से क्लास नहीं किए हैं, नहीं किए हैं क्लास, स्टार्टिंग से नहीं की हो, बहुत बढ़िया। तो जो जो क्लास नहीं किए हैं दो दिन वाला, तो उसके लिए ऐसा घबराना नहीं है कोई चीज से, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिलेगा तो जिंदगी नहीं चलेगा, कुत्ता भी जीता है यार। जैसे अब क्लास नहीं आइएगा और आपका छूट जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा नौकरी नहीं होगा, तो कोई आप इंसान छोड़ के कोई कोई पढ़ाई करता है क्या? नहीं करता। यहां से कुछ दूरी पे जाइएगा, गंगा जी है, अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि जीने का अधिकार नहीं है आपको। चलिए, हम बार बार कहते हैं कोशिश करो क्लास नहीं छोड़ने का, क्योंकि रोज रोज हम फिर बक्सा बतावे परेशानी हो जाएगा। तो चलो यहां से देखते हैं, पहली बात बक्सा तो याद है सबको, चलिए हमको मालूम है आप बना लिए होंगे, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ आदमी तो चलो नहीं आने का एक रीजन होता है, क्या रीजन था आपका नहीं आने का दो दिन का? आज पहला क्लास है, महान। उधर बताइए जरा सर, जो नहीं आए थे तुम बोलो। अच्छा, इससे पूछ लेते हैं, खराब खराब ना पहले, अच्छा सब खड़े हो गए, अच्छा बोलो, ठीक है दोनों खड़े रहिए, दोनों खड़े रहिए, पहले आप बताइए नहीं आने का रीजन। तबीयत खराब था, लक्षण तो नजर नहीं आ रहा, बैठो हम बता देंगे, तबीयत खराब वाला मैटर बता दें, तुम्हारा बता बुआ, एग्जाम देने किस चीज का? MTS, बढ़िया गया, एग्जाम बढ़िया जाता है, रिजल्ट खराब आता है, बैठो। चलिए MTS का, MTS में एक जगह आपको, नहीं आप लोग तो अभी नया बैच है, जो पिछला बैच किया होगा क्लासिफिकेशन एनालॉगी में हम बताए थे मेढक का टैडपोल होता है तो तितली का क्या याद है? मर जाओ कहीं जाके, जो कोई आया होगा, जैसे मेढक का बच्चा को टैडपोल कहते हैं, हाँ सही बात है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि वहां पे कीट वीट के साथ पूछा गया था, ये सब आपके असाइनमेंट जितना पूछा ना सब असाइनमेंट में था, इस टाइप का एक नंबर, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन और एनालॉगी वाला, क्लासिफिकेशन वाला, नंबर सीरीज वाला, लेटर सीरीज वाला, सारा अपने असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था। हम देख मिला के देख लिए हम सारा, जो जो दिया वही सब हमको कन्फर्म किया कि सर ये सब आया था, आपका सेट का इतना नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे फंसता है बता देते हैं, हम बार बार कहें कि मेरे असाइनमेंट में एक किताब या मेरा ही क्या हुआ नहीं, चुराया हुआ क्वेश्चन है, सब जगह से चुरा लिए, उससे बाहर पूछेगा कभी नहीं पूछेगा। चले वो तो अलग बात, MTS का एग्जाम अच्छा। अब एक वो सामने वाला जो कहा सर बीमार थे, लक्षण नहीं हुआ बीमार का, गर्लफ्रेंड का चक्कर था, चमड़ी बता रहा है, क्या करिएगा, लोग पढ़ेगा, ये लोग पढ़ने वाला है, सही से बताओ, हम कुछ नहीं कहेंगे ना, अच्छा लूज मोशन हो गया था, कितना तरह का बहाना बनाएगा पता नहीं, खैर जाने दीजिए कोई बात नहीं है।
ऐसे ऐसे लड़कों के लिए जो कुछ कहावत बना हुआ है ना, देखो सुन लो, बोल याद आ गया तो बोल देते, फिर पढ़ाई होते रहेगा। कहीं सुना हुआ है मेरा, बड़ा अच्छा लगा लाइन, ऐसे के लिए है कि भगवान भी कहता है इन लोगों को, कि भूल जाओ ना उसे, क्यों परेशान हो। तो ऐसा लड़का क्या जवाब देगा उसको मालूम है, इतने फिक्र है तो मिला दीजिए ना उससे, ये लोग भगवान को भी उलट के जवाब दे देगा। ये लोग को अच्छाई बोल के कोई फायदा नहीं है, कितनों समझाएंगे रे बाबू सब चक्कर में नहीं पढ़, रिजल्ट ले, एनआईटी घूम रहा होगा लूज मोशन में। आइए चलिए अब थोड़ा सा आ जाए पढ़ाई पे, कि छोड़ दे, हम जानते हैं आप पढ़ने तो आए नहीं है। खैर बक्सा देखो बाबू, फिर याद दिला देते हैं, बक्सवा ये है आपका, ये सबको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा है एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन, फिर चार और फिर पांच। ज्यादा पैसे वाले को वैल्यू मिलता है, तो अगर मान लो एक और दो आया तो ये पिएगा, एक नंबर पिएगा, और तीन और चार आया तो तीन पिएगा। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ चाय नहीं पीता है, बात समझ में आ गया, इतना ही कॉन्सेप्ट है अपना और कुछ नहीं है। अब यहां पे देख लीजिए, ए से ई जाना, ए से कहां जा रहे हैं, ई पे जा रहे हैं, तो ये और ये तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा, और बी से ई जाएंगे, बी से ई भी जाएंगे तो ये दोनों तोड़ देगा, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला कहीं भी नजर आ जाए एक इक्वेशन में तो वो क्या करता है, रिलेशन तोड़ देता है। बस समझ में आ गया, रिलेशन तोड़ देगा, चाय का कप को तोड़ देगा, मतलब कोई चाय नहीं पिएगा, बस इतना ही याद रखना है। ई से ए, ई से ए आए, फिर देख लो कितनों चाय लेके जाएंगे, तो ये दोनों तो लड़िए ना जाएगा, खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि ये बी से ई है आपका। रिवर्स जाए या फॉरवर्ड सीक्वेंस में जाए, जब आपका कपे टूट जा रहा, देखो फॉरवर्ड और रिवर्स में कब हम लोग देखते हैं, जब चाय पीने वाला रहता है तभी चर्चा किया जाता है कि रिवर्स में है तो पलट जाएगा, लेकिन जब कपे टूट गया चाय पीने वाला है ही नहीं तो देखना क्या है, सीधे गलत करिए। कोई भी कहता है कि हम चाय पी रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है हम चाय पी रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है, कप नहीं है चाय कहाँ से पीजिएगा। अब आइए ई से बी, फिर ई से बी में देखो ये दोनों तोड़ देगा, खत्म हो गया, और ई से ए भी बात करिएगा तो तोड़ देगा, बात समझ में आ गया है। ई से बी करें, फिर यहां भी वही बात है, ये और ये तोड़ देगा, ये भी तोड़ेगा, हालांकि सारा का सारा गलत होने वाला है इसमें, क्योंकि ये नो रिलेशन का केस है। अब यहां भी देख लीजिए ए से ई, तो फिर ए से ई गया तो टूटेगा, यही में टूट जाएगा। और एक बात फिर कह दें कि ए से ई का मतलब ऐसे नहीं सोच लीजिएगा आप, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मत सोचिएगा, सारे सिंबल को लेके ए से जब ई तक जा रहे हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे तब ई, अपने पता चल जाएगा, यहाँ से चाय लेके जाएंगे इतना तक तो पिला देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद टूट जाएगा, कहीं भी टूट गया आगे नहीं जाना है, कप आपका टूट गया तो चाय लेके आगे नहीं जाना, बात समझ में आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये भी सीख ही लीजिए नहीं तो दिक्कत करेगा। ये भी सीखना आपको जरूरी है, देखो समझना यहां बात को जरा, ध्यान से दिखेगा, समझना पड़ेगा यहाँ पे आइदर और। अभी कोई कुछ बोले क्या? क्या तीन नंबर नहीं बन रहा है, हम बनाए थे क्या तीन नंबर? बोलो तुम मन में जो है बोलो, विचार करो, हाँ बोलो, बैठ के बोलो ना, हम समझ गए, कल ने ना आई थी, आई थी, अभी तीन नंबर के लिए हम जा रहे थे, समझिएगा बात, उसी को आइदर और कहते हैं, बात समझ में आया, तीन नंबर में आइदर और। लेकिन याद रखना फिर तुम तीन नंबर रट मत लेना कि तीने में आइदर और होता है, कल भी बताए थे ऑप्शन को उलट फेर कर सकता है, वो तीन नंबर वाला एक नंबर ऑप्शन में भी आ सकता है, तो याद मत कर लीजिएगा कि तीन नंबर हमको करना है, तो
तो आइदर और क्या है, नाइदर नॉर तो कोई किसी को दिक्कत नहीं, दोनों गलत है तो नाइदर नॉर, बात समझ में आ गया। अब यहां एगो खेला हो जाएगा, देखना जरा सा। स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी आर लेस देन ई, स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अभी लिखना नहीं किसी को, समझना है ये चीज को। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर जी। अच्छा आज का पूछा था, ठीक है। पीके सर का मैथ, अच्छा पीके सर नहीं रहे बाबू क्लास में, घर पे हैं, हाँ घर पे हैं, अभी मनीष सर यहाँ पे हैं, हाँ आज हम लोगों के बीच, हाँ पीके सर अभी अभी गुजर गए घर की ओर गुजर गए हैं, वो फिर कल आएंगे। चलिए ऐसे भी एक आध महीना में गुजरने ही वाले हैं, हैं? ब्याह नहीं हुआ अभी तक उनका, वो पियर का जूता, वो तो हम कह दिए थे ना उस दिन कि पियर का जूता उनको अच्छे अथी में मिला है, छेका में, इसीलिए नहीं पहन के आते, जूता बड़ा बढ़िया है रखा हुआ, वो नहीं पहनते। हम बोले ठीक है, यहाँ ध्यान दिया, हम बोले हमको दे दीजिए, कहा जाता है, वो नहीं देते हैं, मैडम गिफ्ट की है तो कैसे दे देंगे हमको। बड़ी मजा आया। अब इधर देखो जरा सा, क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन ई, क्या सही है? सही है, देख लो। गलत है, ठीक है, मतलब कि ए से ई हमको कहेगा जाने के लिए, तो यहां यहां इस सब में ये तोड़ देगा, बात समझ में आया कि नहीं? गलत है। सेकेंड नंबर में आइए, हमको कहा ए लेस देन इक्वल टू ई, अब बताओ सही है कि गलत? लेस देन इक्वल टू, मतलब कुछ भी आएगा तो गलत है, जब कप टूट गया तो कुछ भी आएगा तो गलत है, तो दोनों गलत हो गया। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कॉमन है, कॉमन है दोनों में, ए ई दोनों में है ना, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉमन, सब्जेक्ट मतलब पहले वाला, प्रीडिकेट मतलब बाद वाला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, उतना हार्ड अंग्रेजी हम ना बोलते हैं, बस समझ में आया, पहले वाला सब्जेक्ट बाद वाला प्रीडिकेट, तो हम बोले दोनों में कॉमन है, सेम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम सेम बोल दिए, दोनों में कॉमन रहे, दोनों बाय रूल गलत हो जाए तो गलत हो गया। अच्छा इधर बताओ, तुम था ना उस दिन खड़ा, दो लड़का जो खड़ा किए थे, एक ये और एक ये है ना, तो जब कप टूटने का मतलब होता है कि हमको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बात समझ में आया, ए बड़ा है या ई बड़ा है हमको नहीं पता, इस दोनों के बीच में नहीं पता, तो सही होने के लिए हम क्या बोले थे, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, तो यदि इस दोनों को मिला दिया जाए, अगर इस दोनों को हम मिला देते हैं तो देखो ए बड़ा है ई से, ए छोटा है ई से और ए बराबर है ई के, तीनों केस आ गया कि नहीं आ गया, तो अब इसका आंसर दोनों गलत नहीं होगा, आंसर होगा आइदर वन और टू फॉलो, हिंदी में रहता है या तो एक या दो सही है या अनुसरण करता है, ऐसे भी फॉलो करना, अनुसरण माने फॉलो करना, तो ये बात समझ में आ गया, इतना समझ में आया। जब दो रिलेशन में देख रहे हैं, जैसे अभी दोनों के बारे में चर्चा किए, तो किसी जैसे राम, तो राम या तो बड़ा होगा या राम छोटा होगा या राम बराबर होगा, एक ही आदमी से कंपैरिजन करना है, ए बड़ा है इसे, ए छोटा है इसे, ए बराबर है ई के, तीनों बात आ गया इसमें, इसलिए ये कहां चला गया, आइदर और में, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मान लो कि हम ऐसे दे दें, यहां पे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं कि हम यहां तीन लिख रहे हैं और चार लिखेंगे, यहां क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए बड़ा है ई से और ई बड़ा बराबर है ए के, क्या ये दोनों आइदर में जाएगा, क्योंकि तीनों सिंबल नहीं दिखा आपको,
देखो गौर से देखो, दिख जाएगा। पहली बात तो दोनों गलत होगा। अब एक चीज देखो, फिर यही चीज गलती करते हैं आप लोग, ए बड़ा है इसे मिला देते हैं, तो ए बड़ा है इसे, अब ए इधर है, ए छोटा है इसे आ गया, ए बराबर है ई के आ गया, समझे? आप क्या देख रहे हैं कि सर बराबर 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 है, ये मत देखिए, देखिए कि एक हमको एक आदमी के बारे में तीनों बात चाहिए, तो ए बड़ा है इसे, फिर ए इधर आ गया, ए छोटा है इसे, ए जो है बराबर ही के, तो भी मेरा तीनों केस फुलफिल कर रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आइदर आइदर नहीं वन नहीं है थ्री और फोर फॉलो। अच्छा एक बात और, थ्री और फोर मतलब या तो तीन या चार, और को एंड नहीं करेंगे, एंड करेंगे तो मतलब फिर बदल जाएगा, तो याद रखिएगा या होना चाहिए, या तो में केस होना चाहिए। अब इतना अगर समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम एक और चीज चेंज करते हैं, घसकेगा नहीं घसका, हाँ घसक तो गया, ठीक है रुको जी। चलिए अब एक केस समझिए, दो केस आपको समझ में आया एक ही क्वेश्चन में, तीसरा अगर हम ऐसे दे दें कि चार नंबर में पांच नंबर में दे देते हैं कि बी बड़ा है ई से, क्या सही है? बी बड़ा है ई से, तो बी से ही जाएंगे फिर टूट जाएगा, ठीक है। छह नंबर में दिए बी बराबर है ई के, और सात नंबर में दिए, चलो पहले यही दोनों बताओ, ये गलत, तो क्या अभी ये इधर में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिंबल दोनों को मिलाने पाया बड़ा और बराबर। लेकिन अगर हम सात नंबर में ऐसा कर दें यहीं पे कि बी छोटा है ई से, अब ये तीनों मिला के जाएगा कि नहीं इधर में? अब इसका आंसर होगा आइदर फाइव और सिक्स और सेवन फॉलो। बात समझे कि नहीं? तीनों बात समझ में आया? तब तीनों सिंबल कब देखते हैं? जब कप टूट जा रहा है मेरा, जब रिश्ता नहीं बन रहा है, जब कहते हैं नहीं दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तब ये तीनों सिंबल देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए एक लाइन लिखिए तो जरा सा, पीडीएफ में अगर जगह है तो वहीं लिख लो सर, या कॉपी पे है तो कॉपी पे लिख लो। जब दो कंक्लूजन में, अच्छा समझना इसको, यही धोखा देगा आपको एग्जाम में, जब दो कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कॉमन रहे, ऑनलाइन में जो लिखे थे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो कृपया करके आप लोग में तो वीडियो रह जाता है ना, तो कल परसों का वीडियो जरूर देख लेना, इसको ब्लॉक मार दीजिए। एनी गर्ल में आपकी बहन भी आती है बाबू, बस बहुत अच्छा, एनी गर्ल वांट टू बी गर्लफ्रेंड, तो उनकी बहन भी आ गई ना, उसको लिखना चाहिए ना कि मेरी बहन छोड़ के, गधा लिखनी नहीं आया इसको। रीजनिंग वाला में कुछ भी लिखने बोलने से पहले 50 बार सोचिएगा, क्योंकि हमारे पास हर बात का काट है, 17 साल में आपसे खतरनाक खतरनाक लड़का सब पढ़ के जा चुका है, आतंकवादी टाइप का भी पढ़ा है ना, इसलिए हर चीज हम समझते हैं। आप लोग तो उतना आतंकवादी नहीं है जितना वो लोग था, बाप रे बाप, डकैत है अभी भी है, एगो डकैत में तो मेरा इज्जत बढ़ा दिया था, हाजी सोनपुर का लड़का है, अभी भी डकैती का मतलब है, बंदूक बंदूक लेकर अपना फोटो डालता है, थोड़ा बाहुबली टाइप का है, मेरा तो छोड़ो ना, गुरु पे गया है ना। नहीं उसी लड़का के बारे में बताए थे कि एक बार हम बोले थे किसी को, यही इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यही पढ़ाए थे ना हम, केखरों से पूछ दीजिए मेरा पढ़ाया हुआ लड़का इनइक्वलिटी उड़ा देगा इसे,
पढ़ा देगा इसे, हम ये भी कह दिए। तो ओकरे में सामने में वही लड़का मिल गया था डकैतवा, वो गमछा ऐसे लगेले टीका यूं मुंह में गुटका आया था, ऐसे ऐसे ये भी करता था। अब ओकरे बुला लिया, ए बाबू इधर आओ, सर से पढ़े हो? हाँ। आओ अंदर आओ अंदर आओ, तुमको इनइक्विटी समझाना है। मुंह देखा सबका ऐसे करके, इन इक्विलिटी, अच्छा। अब बोला बक, उसको रुको रुको, चला गया। हम का इज्जत तो मेरा यही खराब हो गया। फिर उनने से वापस लौटा, गुटका उटका कुल्ला उल्ला करके अंदर सेटिंग करके बढ़िया से गमछा वमछा हटा के, जब जब हम मेरा जब मजाक उड़ाया जाने लगा तब देखे वो एंट्री मारा। हम बोले अब कौन सी है? बोला सर पढ़ाने आ रहे हैं तो टीचर की तरह ना आएंगे। धज्जी उड़ा दिया इनइक्विटी का। और वो क्वेश्चन जिससे लोग फंसाता है उसको भी फंसाया गया, तो पहले ही वो चीज हम बता दिए थे, वो उसी टीचर को फंसा दिया। लखनऊ से आए थे कोई टीचर थे, नाम नहीं बताएंगे, इज्जत उनका भी उस दिन चला गया था। हम कहे थे छेको कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं करना है, आपको अगर आता है कोई चीज तो अपने अंदर रखिए, अगर मान लो किसी को कम आ रहा है तो उसको बेइज्जत करने का जरूरत नहीं, लेकिन हाँ जब यहां से ऊपर चले जाए तो बर्दाश्त नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कुछ। चले खैर, उसका नाम था 30 मार खां, हम रखे थे क्योंकि हम आपको नाम से नहीं जानते। अब जैसे विनोद कोई बोलेगा तो हमको चेहरा याद आ जाएगा ना, तो उसी तरह कोडिंग है। कहां है विनोद? हाथ उठाओ रे। नहीं नहीं आया है ई विनोद, नहीं है विनोद, दूसरा है, यहां बैठता है, वो पीछे बैठबो नहीं करता है, समझे कि नहीं समझे, लेकिन बैठता आगे है। जब दो कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉमन रहे और दोनों कंक्लूजन बाय रूल गलत हो जाए, बाय रूल गलत हो जाए, क्लियर है? दो लाइन समझ में आया? जब दो कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉमन रहे और दोनों कंक्लूजन बाय रूल क्या हो जाए? गलत हो जाए। अब यहां शुरू होता है केस वन, यहां से केस वन लगाइएगा कि जब रिश्ता ना बने, जब रिश्ता ना बने वाला केस है ये, अर्थात कप टूट जाए। अब तो समझ जाएगा ना कौन सा केस में हम बोल रहे हैं, कब टूट जाए या रिश्ता ना बने या नो रिलेशन, ठीक है? हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन आए है तो लिख लो ना, कोढ़िया इंसान है तो बहुते कुछ दुनिया में। हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन मिलकर हमारे, देखो हमारे पास भी है, जितना चीज हम लिख के बता रहे हैं वो चीज हमारे पास भी है, लेकिन क्यों लिख के बता रहे हैं? कि आपको क्लियर हो जाएगा, और उसमें बता देंगे तो आधा समझिएगा आधा नहीं समझिएगा। हम देखेंगे कि दोनों का मिलकर हमारे तीनों कंडीशन बड़ा बराबर और छोटा, सिंबल में दीजिएगा, बड़ा बराबर और छोटा को फुलफिल कर दे तो आंसर आइदर और में होगा। सबका कॉपी चेक करेंगे अभी, नहीं कॉपी लाना है, लगे कि तुम जा रहा पढ़ने के लिए, हाँ लगना चाहिए कि पढ़ने जा रहा है। ये बात समझ में आया? लिख लो पहले। हटाओ, हम ही को हटा दो, हम दूर से ऐसे हाथ बढ़ा के लिखेंगे। तुम लोग लिख लिया ना? यही काम बच गया है बताओ, कोई मोबाइल चेक करता है, कोई कॉपी चेक करता है? है, आज दिन में एको फोन आया, हम भी एंजॉय किए बहुत। कौन बोल रहे हैं?
हम बोले आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ लगा है? हम बोले कहीं लगा है, आप जहाँ लगाइएगा वहीं लगेगा। तने आपका नंबर कैसे आया? हम बोले हम लगाए हैं कि आप लगाए हैं? ना हमारे मोबाइल नंबर है। तो हम बोले ठीक है, तो हम बोले रॉन्ग नंबर हो सकता है। नहीं नहीं सुनिए ना, हमारे बेटी जो है ना उसको एगो लड़का तंग करता है, कहता है शादी करेंगे। हम बोले करवा दो। फिर कह रहा नहीं मेरी बेटी को दो को बेटी है। हम बोले ये बुढ़िया मेरा माथा खाएगी अब। बोली बाद में अंतिम में से बहुत देर चाटी, हम भी थोड़ा एंजॉय किए उसके बातचीत से। बाद में हम बोल दिए कि देखो बाबू थाना में लगा है फोन, है ना? तो थाना में लग रहे हैं। हम कहा पुलिस भेज दें आपके घर पे, आपका सॉल्व कर देगा। ना छोड़ दीजिए, भला आदमी के यहाँ लग गया, आपका नंबर कोई अच्छे आदमी दिया होगा। फिर काट दिए। ऐसे जब फोन आता तो हम इंजॉय करते हैं। हम बताए रात में 12 बजे फोन आया था, राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंच गए हैं। हम बोले वापस चले जाओ, हम किसी और से सेट हैं। क्रॉस कनेक्शन आता है ना हमको बड़ी मजा आता है। एगो कहा बालू गिरा दिए, हम लोग उठा लो वापस। चल आगे बढ़े। चल ये सब इंजॉय हम करते हैं, देखो थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं इस टाइप का कॉल पे। अगर हम फ्री हैं तो इंजॉय, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो समझो हम इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी कभी कॉल किए और हम आपसे बात कर रहे हैं तो समझो हम इंजॉय कर रहे हैं, फ्री मूड में है। और अगर नहीं रहेगा तो हम सीधे कह देंगे रखो फोन। आइदर के पहले क्या है? आंसर आइदर और होगा, आंसर आइदर और होगा। अब ये देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए बहुत आराम से आइदर और लेके जा रहे हैं क्योंकि इसी में गलती होता है। अब यहां से देखिए कि स्टेटमेंट दिया, मान लो अभी इधर मत देखना, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ एक और दो को देखिएगा। स्टेटमेंट दिया, बनाए, दोनों गलत हो गया। पहले नॉर्मली आप क्वेश्चन बनाइएगा, दोनों गलत हो जाए फिर एक बार चेक करिएगा कि सब्जेक्ट प्रिडिकेट दोनों का कॉमन है तो मिल गया। अब दो इसमें क्या हुआ था, रिश्ता नहीं बना था। इस केस में तीन बात चेक करना है कि दोनों मिलके हमारे तीनों केस को फुलफिल कर दे। तो आंसर कहां जाएगा? आइदर और में जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ये नोट कर चुके हैं? नहीं किए, इसको कर लीजिए, ये आपके पीडीएफ में नहीं होगा, यहीं तक होगा बाबू। अरे एक दो होगा, आगे नहीं होगा, सब हो गए नहीं, 3 4 5 6 7 नहीं होगा। हाँ पहले लिख लो, फिर एक बार बोल देते हैं। एक दो तो है, बी नंबर में बी ग्रेटर देन ई है। अब हो गया, बी नंबर में बी से ई है, ई से बी है, ठीक है। अब ये तीसरा, ये 5 6 7 नहीं है, बस आइदर और कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद तो उड़ा दीजिएगा आप लोग, उसके बाद दिक्कतें नहीं होगा। पीडीएफ में देखो इतना अच्छा से लिख के दे चुके हैं कि अगर हम हल्का सा ये बता दिया तब आप जाके नहीं समझेगा, पीडीएफ देखेगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ऑप्शन वाला 1 2 3 4 5 फिर से बता दीजिए। अगर एक सही है तो एक, दो सही है तो दो देना, अगर आइदर और में जाएगा तो 3, दोनों गलत तो 4 और दोनों सही तो 5। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपका ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, क्लास नहीं छोड़ते तो फायदा आप ही का होगा, भी आप ही का ना होगा, मेरा थोड़ी दोबारा हो जाएगा। हाँ क्लास नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? आप लोग का एम क्या है? शादी करना। बात नौकरी करे क्या करेगा? शादी। एम आप लोग सोचो, शादी, आप शादी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एम है आपका, बस 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 बस। लेकिन याद रखना है बाबू, लड़का लोग है तुम लोग, लड़की लोग का कोई बात नहीं, फिर भी हो ही जाएगा, समझ रहे ना, पापा खरीद के ला देंगे। लेकिन आप लोग जो है ना स्थिति खराब हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ना है ध्यान से। इतना हंसा बोला कि क्यों पढ़ाते हैं, बीच बीच में क्यों आपको समझाते हैं बहुत सारा बात, क्योंकि हमसे ज्यादा, हम भी तो ज्यादा तो बहुत कोई देखा होगा,
लेकिन हम बहुत कुछ देखे हैं इस तरह का कि क्या समस्या होता है एक लड़कों को। दो साल बोलते हैं ना माँ बाप, देखो हम भी कहते हैं माँ का रिस्पेक्ट करो, बाप का रिस्पेक्ट करो, लेकिन नौकरी नहीं होगा तो आप ही उन पे बोझ बन जाइएगा, बाद में कोई नहीं पूछेगा, माइयो मारेगी बापो मारेगा। आगे बढ़िए, यहां के बाद केस अब थोड़ा सा चेंज होगा। ऊपर वाला दोनों बात सेम कि जब दो कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉमन रहे या दोनों बायरूल गलत हो जाए, उसके बाद आते हैं केस टू में। केस टू में आते हैं, केस टू क्या कह रहा है समझिएगा। जब केस वन को फुल ना करें, केस वन को फुलफिल ना करें, तो हम देखेंगे कि दोनों कंक्लूजन मिलकर हमारे एक्चुअल रिलेशन को फुलफिल कर दे। हाँ, तो भी आंसर आइदर और होगा। मन नहीं कर रहा लिखने का, नहीं मन कर रहा है, मत लिखो, छोड़ दो, पीडीएफ में है ना। हाँ ठीक है, छोड़ दी, मत लिखिए, काहल परेशान हुई। आप लोग जिसमें खुश रहिए खुश रहिए, जो लिख रहा है उसको लिखिए ना, उन लोग का शादी हो जाएगा। हाँ हम ही लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ मेरा शादी हो गया है। चलिए आप ध्यान देना जरा सा, अभी देखो केस वन किए थे, केस टू में अब आ रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। जाओ जी ऊपर। अब देखिए होता क्या, इसको समझिए। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी और लेस देन ई। तो अब यहां क्वेश्चन क्या आएगा, बी बराबर डी, बी बराबर डी, और दूसरा आया बी बड़ा है डी से। अब जब इसको चेक करिएगा तो बी से कहां आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं। सिंबल मेरे पास एक ये है और एक ये है, इस दोनों में कौन पिएगा, बड़ा बराबर। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये भी गलत ये भी गलत, इतना तो समझ में आ गया होगा कि पीने वाला बड़ा बराबर वहां है ही नहीं, दोनों गलत, बाय रूल दोनों गलत हो गया। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉमन है तो तुरंत मेरा नजर कहां जाएगा, तीन रिलेशन वाले पे, लेकिन वहां क्या था, एक्चुअल रिलेशन वहां पे था, रिलेशन नहीं था, लेकिन यहां रिलेशन है, यहां एक्चुअल में ये आदमी पीने वाला है। यदि दोनों को मिला दिया जाए और यहां से देखो बड़ा और बराबर दोनों आ जाएगा मिलाने पर, तो बी बड़ा है और बराबर है डी के, तो यही सिंबल ना हमको चाहिए था, तो दोनों मिला के आ गया, तो यहां भी आंसर आइदर और में जाएगा, यहां भी आंसर किस में जाएगा, आइदर और में जाएगा। ये लिखा हुआ आपके इसमें पीडीएफ में, चलिए इतना तो समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लो कि हमारे यहां चाय पीने के लिए आया और हमारे आंख पे पट्टी बंधा हुआ है, हमको पिलाना है बड़ा बराबर को, मेरे यहां कौन चाय पिएगा, बड़ा बराबर। इधर से बड़ा आया, बोला हम चाय पी ले, हम बोले कौन, तो बोला बड़ा, धाई से एक गोली चला, कैसे चाय पी लेगा, बड़ा बराबर पिएगा आके। तो दूसरा बराबर आया, बोला हम पी ले, हमले कौन, तो बराबर, तो ओकरे पे गोली चला दिए। लेकिन दोबारा जब पूछे कौन, तो दोनों एक साथ कह दिया बड़ा बराबर। अब गोली चलाएंगे हम नहीं, क्योंकि हमको तो एक्चुअल में वही आदमी चाहिए था, तो उसी को फुलफिल करे। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इसी पे आइए, देखिए जरा सा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है किससे, बी से, बी बराबर है सी के और बड़ा है सी से, यही ना है, और सी क्या है, बराबर है डी के, बराबर है डी के। तो यहां जब बी और डी की बात की जाए तो बी डी में दोनों रिलेशन आ रहा है ना, एक तो बराबर का भी आ रहा है और एक बी क्या है, बड़ा भी है,
बी क्या है, बड़ा भी है, तो दोनों रिलेशन मिलता है तभी आंसर या तो में चले जाएगा। ठीक, आ छोटा पूछा कहाँ है, अच्छा छोटा कहाँ आ रहा है, कौन पूछ रहा था, हाँ सुनिए, छोटा वाला कब तीन तीन रिलेशन कब देखते हैं, जब नो रिलेशन रहता है, जब कब टूट गया जिसके बारे में पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, तब तीनों बात या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन यहां तो हमके पास में एक्चुअल रिलेशन है ना कि बराबर बराबर, तो यही फुलफिल हो गया तो आंसर इधर और में चला जाएगा। दूसरा में कब तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, बी से कहां जा रहे हैं डी, तो ये दोनों में के पिएगा ई पिएगा, तो कब कहां टूटा है, ये तो पी रहा है तो कब करने तोड़ा तुम, नहीं टूटा, समझ गया। अरे आप पहले नॉर्मली बी से डी जाइए, बी से ई जाएंगे ना तब ये तोड़ता है, अपोजिट वाला तोड़ता है, बी से डी जा रहा है इस दोनों में यही पिएगा तो पीने वाला है, जब कप टूट जाता है तब तीन सिंबल, थोड़ा इधर और थोड़ा परेशान करता है कैसा, थोड़ा अच्छा समझिएगा, जब कप टूटता है तो तीन सिंबल, लेकिन जब पीने वाला है तो कप तो टूटबे नहीं किया, तो पीने वाला हमको मिल जाना चाहिए, बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। आए ये बड़ा है ना, हमको ये आदमी चाहिए था ना, आप वैल्यू देख रहे हैं, हम वैल्यू के लिए मना किए है ना, हम ये आदमी के देखो, हमको यही मुंह वाला आदमी चाहिए, इतने मुंह होना चाहिए उसका, और यहाँ पे है वो आदमी नहीं, यहाँ पे है नहीं, आप देख रहे हैं क्या, इसमें से एक ठो है ना, नहीं एक नहीं, मुंह ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग, हाँ बोलिए, हाँ तो बड़ा बराबर होना चाहिए, सही तो, हाँ तो गलत हो गई, नहीं जब यहां से यहां जा रहे हैं तो हमको ये चाहिए, बड़ा बराबर चाहिए, समझ में आया, और तीनों कब होता है, जब यहां से यहां आते हैं तब कपे टूट जाता है, तब हमको रिलेशन नहीं मिलता है, जब रिलेशन नहीं मिलता है तब हमको तीनों चाहिए, आगे क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। चाहिए तो वही बात लिखा हुआ है जो आप बताएं, सेम चीज लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। अब यहां से आइदर और का क्वेश्चन आ रहा है, अब देखो आराम से, अभी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन है ना, यहां से क्लियर हो जाएगा। ए से कहां जाना है, यहां से यहां जाएंगे तो ये और ये तोड़ेगा, गलत। ई से ए आएंगे तो भी टूट जाएगा, गलत। कप टूट गया, कोई रिलेशन नहीं है, तो जब यहां पे ये आ गया हमको नो रिलेशन वाला, ठीक है, तो इसमें हमको तीनों सिंबल चाहिए, तो दोनों को मिला के देखिए, इधर से ए छोटा है ई से, ए बड़ा है ई से, ए बराबर है ई के, आ गया तीनों, तो ये कहां जाएगा, आइदर वन और टू फॉलो, आ गया समझ में। चलिए अभी एक दो को बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, हम जान रहे थे, वही सोचे कोई बोला कहे नहीं बात। ए बड़ा है एक, ए छोटा है इसे, है ना, ए क्या है छोटा है, तो ए के लिए छोटा मिल गया, आप इसको ई तरफ, ई के तरफ से देख लीजिए, ई बड़ा है ए से तो बड़ा मिल, यहां देखो छोटा लिखे हैं तो छोटे सही, ए छोटा ही से तो छोटा, अच्छा ये भी छोटे बोल दिया है, अच्छा रुक जाइए रुक जाइए, पहली बात तो दोनों गलत है, अच्छा ए छोटा है इसे, आ ए जो यहां से फिर छोटे कर दिया, बराबर कर दिया, ये मिस हो गया है, समझ में आया कि नहीं, मिस हो गया है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, ठीक करिएगा, ऐसे ऐसे रहेगा तो क्या हुआ, दोनों गलत ना इधर नॉर में, लेकिन यहां हेडिंग आइदर और लिखा हुआ है तो इसको आप ठीक कर लीजिए, इसी को हटा दें, किसी एक को हटा देंगे काम खत्म। चलिए ए छोटा है बराबर है और ए बड़ा है कर देंगे तो हो जाएगा, अब समझ में आया, हाँ देखना हम ये इस पेज को उठाएंगे ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ए बड़ा है इसे, ए छोटा है इसे और बराबर है इसे, अब ये तीनों जाएगा, बहुत बढ़िया, ये रिवर्स में लिखा है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक आदमी से कंपैरिजन करना रहता है,
बढ़े आगे, अगला ये ए से ई में, यहां से यहां में गए तो फिर तो ई और ए टकरा जाएगा और ये भी टकरा जाएगा। अब देखो जरा सा, ई बड़ा है मिल गया ए से, ई छोटा भी है और बराबर भी है, तो यहां भी आइदर और चला जाएगा, इसमें आइदर और चला जाएगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? बढ़े आगे, तो इसको उठाएंगे तो ये हार्ट उठ जाएगा, इसे नोट करना है, कर लो पहले। हो गया नोट ना? ठीक है, दो नंबर हो गया है, बस इतने दूर तकलीफ है थोड़ा सा, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। यहां आइए, सत्रह हो गया था ना, अठारह, बी से डी, बी से डी कौन पिएगा? तो ये पिएगा, एक्चुअल में ये पिएगा, यहां तो नो रिलेशन नहीं है, इस दोनों में नो रिलेशन था, लेकिन यहां पे नो रिलेशन नहीं है, मतलब पीने वाला है। तो बी बराबर डी गलत, तो बी बड़ा डी गलत, दोनों को मिला देंगे तो ये इसको फुलफिल कर देगा एक्चुअल को, तो भी आंसर आइदर और में जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां भी बी से डी में जाना है, तो एक्चुअल में ये आएगा, यहां भी देखो बड़ा मिल गया और बराबर मिल गया, तो देखो डी बराबर बी चाहे बी बराबर डी, बात बराबर ही हुआ, तो बी बड़ा है डी से और बराबर है, तो फिर हमको ये सिंबल मिल गया, मतलब ये भी आइदर और में चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? 19 तक में दिक्कत नहीं ना? चलिए अब दो ठो क्वेश्चन और समझ लीजिए, 20 और 21, ये खत्म, कहानी खत्म। अब यहां से बनाना आपको शुरू होगा, दर्द करेगा, कल परसों दर्द करेगा। चालीस लोग कैसे सेट कर दिए, 20 कहां गए? 41 नहीं, देख लेते ना कहां है, ऐसे तो टाइम 34 था, 18 19 था, इसी में है क्या 20? ये गलती हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। चक्रधर विष्णु जी किधर गए? बाहर चल गए। कल तो देखिएगा स्लाइड सही नहीं लगाया है, तो स्लाइड बाद में कल ठीक कर दीजिए, आज छोड़ दीजिए, आज कुछ नहीं करना, ध्यान देना जरा सा। 20 आपके पास, सबके पास में है, ऊपर वाला अंग्रेजी में तो हाँ हो गया, समझ में आ गया? चलिए, उतना समझने जरूरत नहीं है। हाँ, अब आइए, बोलते हैं अंग्रेजी में दिक्कत होता है, अरे भैया अंग्रेजी में दिक्कत थोड़ी होता है, आप लोग पढ़ने ही नहीं जानते हैं, आप लोग अभी भी पढ़ने आते हैं बाबू, अभी भी रीजनिंग के बारे में बता देते, पढ़ने मत आना, रिजल्ट लेने आना, पढ़ाई तो सब कर रहा है, रिजल्ट कैसे होगा, जो पूछता है उसको पढ़ना है, बच्चे से हर चीज पढ़ के बैठे हुए हैं फिर वही चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ो नहीं तो प्रीवियस सेट खत्म करो ना, रिजल्ट हो जाएगा प्रीवियस सेट। देखिए 20 नंबर में कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है आर ग्रेटर देन आई, आई लेस देन टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू बराबर ए, ठीक है। अच्छा ना, कल हो इंजेक्शन पड़ेगा आप लोग को। अब यहां क्वेश्चन है पहला, सॉरी, यू ग्रेटर देन आई और दूसरा क्वेश्चन है आर ग्रेटर देन ए। नॉर्मल बात समझिए, आपको करना क्या है, यू से कहां जाना है, अभी बोर्ड पे देखना, यू से आना है आई पर, ये दोनों लड़ जाएगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ये गलत हो गया, दिक्कत, अभी भी किसी को दिक्कत है बताना, विष्णु जी की जय हो। ठीक है, पहला वाला कितना डोज है सुई का, पड़ेगा दो चार इंजेक्शन पड़ेगा बाबू। चलिए, यू से आई में समझ में आया कैसे गलत हुआ, दिक्कत नहीं ना? पक्का हम पूछ लेंगे, क्या कुछ आदमी का कब्जियत वाला मुंह बना हुआ है? हाँ, यू से कहां जाना है, यहां से यहां जा रहे हैं, सिंबल ऊपर वाला नीचे वाला नहीं नजर आ रहा है, अपोजिट सिंबल,
तो गलत हो गया, मतलब चाय नहीं पीने देगा, कप तोड़ दिया। आर से ए, आर से कहाँ जाना है, ए तक, उतना दूर जाए बीचे में तोड़ देगा। आ गया समझ में? इसी तरीके से बनाना है आपको, बात समझ में आया? बड़ा टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। अभी बंद नहीं करना, अभी रुक जा। आइदर होने के लिए दोनों में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन ना होना चाहिए, है नहीं है तो आइदर थोड़ी जाएगा। दोनों बाय रूल गलत, मतलब गलत तो गलत हो गया, चार नंबर में चला गया। अभी क्या करेंगे कल, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं इसमें तो सिस्टम से डाला हुआ है, लेकिन अभी कल हम आपको 2006 से लेकर के 2000 अभी तक में ले जाएंगे। तेईस नंबर वाला देखने के लिए बहुत बढ़िया चीज, चलिए बहुत बढ़िया देख लिए, बना दे। तेईस नंबर देख लो बाबू, तेईस नंबर इसलिए देख लो कि कोई आदमी अगर मान लो बोल देना तो उसका बात नहीं काटना चाहिए, हो सकता है अंतिम सवाल हो उसका। हाँ बहुत बढ़िया, मेरा नाम जय हो, हाँ अमर रहे मत लगाना। ये हमको देखने बोला कि हमारा नाम दिखवा रहा है, चलिए देखना हम गलत लिख दे तो बता देना यहाँ पे। आई के बाद इक्वल एस ग्रेटर देन, जे के जगह पे एच होगा, अच्छा अच्छा रुको ना जरा से, ये कौन नंबर था, तेईस नंबर, एम ए एन आई एस जे, एम ए एन आई एस जे, ठीक है एच से ए पूछा है, अच्छा एच से ए दे दिया है, चलिए जे के जगह एच कर दी। विद्वान का कमी नहीं है यहाँ पे। पहला नंबर है एच ग्रेटर देन ए और दूसरा नंबर है आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू आई, बात समझ में आया? अब एक चीज देखिए जरा सा, ए से आई तो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये दोनों लड़ जाएगा, ये समझ गए? अब विद्वान जो है कहीं ज्यादा जो पढ़ लिया वो कहेगा सर यह एच होगा सर, मनीष में एच होता है सर, ऑप्शन में भी एच है सर। अरे भैया जब यहां नहीं दिया रहे एच तो नॉर्मल, इसको गलत कर देना, इसको सुधारने का कोशिश मत करना रे विद्वान आदमी। ये आप पहले बोले तो हम किए थे, लेकिन फिर हमको याद है अरे हम तो क्वेश्चन दिए ही ऐसा, यही चीज से आपको फंसाया जाएगा। अगर कह देगा यहां पे कि एच ग्रेटर देन ए तो आप देखो यहां पे जरा एच तो है नहीं, बोला एच ग्रेटर देन ए फंसाने के लिए, और उसके बाद कहेगा एच लेस देन इक्वल टू ए, तो आप बोलिए इस दोनों में क्या आंसर दीजिएगा? ठीक है हम नहीं जानते हैं गलत गलत, लेकिन अब यहां आपको फिर फंसा देगा, कहेगा ये बता बुआ जब दोनों दो आदमी में रिलेशन नहीं रहता तो तीन बात होना चाहिए, या तो एच बड़ा होगा, या तो एच छोटा होगा, या बराबर हो, इसका मतलब क्या आइदर और हम दे सकते हैं? आइदर और आंसर जा सकता है, जब जा सकता है आप कह दीजिएगा तो आपको कहेगा जब स्टेटमेंट में नहीं है तब काहे जा सकता है, यहीं से फंसाएगा। तो आप उसको खुद से जवाब दीजिएगा कि सर पहली बात तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा, यदि पूछ लिया तो दोनों बाय रूल गलत करेंगे हम, ठीक है दोनों बाय रूल गलत करेंगे। सामने वाला बोलेगा आइदर और, तो आप उसी को हाथ जोड़ के पूछ लीजिएगा सर आप ही बता दीजिए, जब वो आइदर और कहेगा तब कह दीजिएगा कि सर स्टेटमेंट में नहीं है कैसे आइदर और कहे, अब वो कहेगा दोनों गलत तो कहिएगा सर ये तो आइदर और के केस बनता है, यही बात से फंसेबे करेगा और कोनो बात नहीं फंसाता है निकुलटी में, तो इस पर आप फोकस नहीं करिएगा। अगर स्टेटमेंट में नहीं है कोई एलिमेंट तो नॉर्मली उसको गलत कर दिया जाएगा, बात समझ में आ गया? तो याद रखिएगा
काहे हम हाथ जोड़ने के लिए आ लिए, फिर कैंसिल कर दिए प्रोग्राम। इन लोगों तो हमको मालूम है, इन लोग तो चाहती है जल्दी से चले जाएं, काहे हॉस्टल का गेट वेट लग जाएगा, जो गरम गरम रोटी बनेगा वो सब तो हट जाएगा ना। बोल के आए हैं कि रख देना मेरे लिए, हॉस्टल में रहते कि नहीं रहते हैं, तब रोटी इतना छोटा छोटा रोटी बनाता पूरी के साइज का, बहुत तेज होता है बाबू, इतना ठो रोटी बनाएगा गोल का और गिनेगा। दीदी आज चार को ले रहे हैं, अरे बाबू रे, ये लोग गिनती है पिल रहा, चार को नहीं, जब रोटी एक कोर में आप समेट दीजिएगा उसको, ये लोग गिनती गिनती पे नहीं जाना, कस के खाओ। बाबूजी पैसा दिए हैं, हाँ ठीक है भैया प्रणाम, बाबूजी पैसा दिए हैं ना आप लोग को, पैसा ऐसे आता है तो हॉस्टल में मान लो 4500-5000 पे करते हैं तो खाना क्यों नहीं खाते हैं, दबा के खाओ, और जिस दिन भूख ना रहे टिफिन में बंद करो, बहुत कोई खाने वाला है। चले जाए।